मेरा एक एक बाल कर्जे में डूबा हुआ है। अरे तुम फिकर मत करो, एक बार हाशिर फिरोजा को अपना ले, फिर मैं तुम्हारी शादी खुद नवीद से करवाऊंगी। अरे ये क्या, आपकी चूड़ियां कहाँ गई? फिक्र मत करें, अपने घर वालों को नहीं देकर आएंगे। किस कसम से जगह बनाई है आपने उनके दिल में? हाँ, आपसे तो कुछ शेयर ही नहीं करती है, लेकिन फिरोजा से सारी दास्तान शेयर करती है। वाह सर, लेकिन फिरोजा बहुत अरसे से उनके साथ हैं, मैं तो अभी उनकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानता, आप उनके दिल में वो मकाम पैदा करें जो उनके लिए फिरोजा के लिए है। ओके? तुम जिस हैसियत से इस घर में आई हो उसके बारे में मुझे बीबी जान ने बता दिया। कितना अच्छा लग रहा है, घर के सब लोग एक साथ बैठे। बिल्कुल एक मुकम्मल खानदान का एहसास होता है। अल्लाह करे हमेशा ऐसा ही रहे। Hi babe, how are you? कहाँ हो तुम? घर पे हूँ, और कहाँ होंगी? मैंने तुम्हारा फोटोशूट देखा है। हाँ, कैसा लगा? इतने घटिया, स्किम्पी और चीप आउटफिट्स पहन के तुम्हें शर्म नहीं आई? It was a work requirement, Harsher. Brand my foot. तुम फौरन जेके को फोन करो, say you're canceling the contract. That's not possible because मैं already advance ले चुकी हूँ। तुम फौरन वापस करो advance. You're not going to do this work anymore, okay? तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। Because I'm your husband, you're gonna listen to me.
In fact, you're gonna leave this modeling business अगर तुम इस तरह की इमेज बनाओगी अपनी. You know what, Harsher? मुझे अब समझ आ रही है. It all makes sense now, you know. हवेली का बैकवर्ड माहौल तुम्हारे सर पे सवार हो गया. अगर मुझे पहले पता होता कि तुम पाकिस्तान जाके इतने बैकवर्ड हो जाओगे तो मैं तुम्हें कभी पाकिस्तान जाने ही ना देती. What happened to you, Harsher? You were liberal. मेरी बात सुनो. लिबरल होने का ये मकसद नहीं है तुम अपनी अखलाकी और अपनी मजहबी लिमिट्स क्रॉस करो. What limits? You had no limits. In fact, अगर लिमिट्स का कोई मसला था तो मुझे शादी से पहले बताना था. अब बहुत देर हो चुकी है. Do you have any idea what kind of damage you're doing yourself? What kind of blunder this is? No, I don't realize, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है. If you don't pick up my calls, I swear you don't want to see what will happen, okay? Harsher, aaj Ghani sabke saath hamara dinner hai and I hope ki aaj contract bhi sign ho jayega. Waise tum restaurant kitne baje tak pahunch jaoge? Main nahi ja raha, cancel kar do. What? Are you crazy? हाशिर तुम जानते हो कि गनी साहब हमारे कितने पुराने क्लाइंट हैं यार. मैं नहीं जा रहा, कैंसिल कर दो. कैसे कैंसिल कर दूं यार, कोई रीजन भी तो बताओ, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा. Listen, I don't have to give you a reason, okay? जब मैंने तुम्हें कहा है तुम करो जाके. Why do you argue? Blah, 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 blah. मेरा नुकसान होगा मेरे बिजनेस से. डू इट, गो. I'm sorry, bro. Actually, तुम्हारे बिजनेस को डील करते करते मैं तो ये भूल ही गया था कि सब कुछ तुम्हारा है. ये बिजनेस, ये पैसा, नफा नुकसान, सब कुछ. सच पूछो तो मुझे कभी उसकी परवाह भी नहीं थी. हाँ, परवाह थी तो हमारी दोस्ती की. मैं ये मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं. ये देखो मेरे हाशिर के बचपन की तस्वीर. कितना प्यारा है, छोटा सा, हूबहू मेरे आमिर जैसा है. आमिर के बचपन की तस्वीरें दिखाऊं तुम्हें? ये देखो आमिर, और ये हाशिर के बचपन की तस्वीर. अरे कोई कह ही नहीं सकता कि दो अलग अलग बच्चे हैं ये. वाकई बीबी जान, कोई फर्क पता ही नहीं लग रहा. मैंने हाशिर को माँ और बाप बनकर पाला. शायद मैं अपने आमिर के बाद जिंदा ही ना रहती अगर हाशिर की शक्ल में मुझे अपना पोता ना मिलता. तो क्या हाशिर साहब की अम्मी भी? हाँ, निकट बानो भी हाशिर के बचपन में ही चल बसी. बस फिर मैं हाशिर को शहर से वापस नहीं लेकर गई, वहीं दाखिल करवा दिया हॉस्टल में. उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत कुर्बानियां दी मैंने. हर जिंदगी बस यूं ही चलती रही.
ये देखो। एक घंटे से मिला रही हूँ, फोन उठा ही नहीं रहा। मीटिंग में होंगे शायद। अगर वो फांसी भी चढ़ा हो ना तो मेरा फोन उठाना नहीं भूलता। ओ भाई तुम कोशिश करो, मैं तो थक गई मिला मिला कर नंबर। खैरियत है ना बीबी जान, इतनी इमरजेंसी। ये फिरोजा को कितने दिन हो गए आए हुए, घर में ही बैठी है। नवीद आए उसे कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाए। आशिर का तो मुझे कोई इरादा नहीं लगता। और तुम भी साथ चली जाना, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। फोन तो ऑफ जा रहा है। अच्छा ऐसा करो, उनके ऑफिस में लाओ, उनसे बोलो बात करवाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस आशिर बात कर रही हूँ। नवीद साहब है क्या? कब? ओके ओके ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ बीबी जान? वो कह रहे हैं कि नवीद साहब ने रिजाइन कर दिया है। क्या रिजाइन कर दिया? ये कैसे हो सकता है? अगर आप इस तरह की चीजों का सहारा लेंगे तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अल्लाह अपना काम से काम रखे। क्या हो गया आपको आशिर साहब? आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैंने कहा ना मुझे तनाव छोड़ दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। महज एक फिरोजा के आने से आपको यहाँ पर इतना दुख होगा मुझे नहीं पता था। या फिर नवीद सर के रिजाइन करने से परेशान है आप? वजह क्या है? कुछ नहीं मालूम हो गया, जाए यहाँ से बस। इस्लामी भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं आशिर साहब, प्लीज इस तरह की चीजों का सहारा मत ले। नहीं हूँ मैं अच्छा इंसान, किसने कहा है? अगर होता ना तो जिसे मैं चाहता हूं वो मुझे दुख नहीं पहुंचाती। बाबू शरीदा है, बीबी जान मेरी परवाह नहीं करती, रिजा मेरी परवाह नहीं करती। नो वन केयर्स, जस्ट प्लीज गो। गो प्लीज। आशिर जी बीबी जान, नवीद ने रिजाइन क्यों किया? मैंने उसे निकाल दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक कदम नहीं चलते थे उसके बगैर, एक लम्हा नहीं गुजारते थे उसके बिना।
और अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं खुद अपने फैसले नहीं कर सकता? इतना भी अख्तियार नहीं है मुझे। अच्छा मैं जा रहा हूं, हंसी देख। This is Hashir. Who's this? All right, Kami. Want to speak with Rija. Where is she? All right, will you tell her that Hashir, her husband, called? Thanks. बीबी जान, आपकी आज अपॉइंटमेंट है। आप ऐसा करें, जल्दी से तैयार हो जाए, फिर एक साथ ही चलते हैं। नहीं जाना मुझे। क्या मतलब कहीं नहीं जाना? आपको याद है ना कि पिछले महीने भी आपकी अपॉइंटमेंट लेट हो गई थी और फिर डॉक्टर सिद्रा कितना नाराज हुए थे, याद है ना आपको? मैं क्या करूंगी जाकर, और जी कर भी क्या करूंगी, और फिर किसके लिए जी? हाशिर का रवैया देखा है तुमने? उसके इसी रवैये से तंग आकर बेचारी फिरोजा हवेली वापस चली गई। बीबी जान, आप हाशिर सर के रवैये से अपसेट हैं, फिरोजा के लिए दुखी हैं या नवीद के लिए? इन सब की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है हाशिर। अपनी मनमानियों के बावजूद मुझसे शिकवा कर रहा है कि उसे फैसलों का इख्तियार नहीं। बीबी जान, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि फिरोजा की कहीं और शादी कराती? ये क्या कह रही हो तुम? ये कभी हुआ है कि बेटा जिंदा हो तो बहू की दूसरी शादी कर दो? लेकिन आपके बेटे ने उसे कभी कबूल भी तो नहीं किया, और आप खुद ही तो कहती थी कि फिरोजा आपकी बेटी है। तो फिर, और बीबी जान, बेटियां तो घर में पलती बढ़ती इसलिए ताकि एक दिन रुखसत हो जाए। मेरी गैरत ऐसे बेहुदा फैसलों की इजाजत नहीं देती। फिरोजा पंचों में ब्याह कर आई है, सारा खानदान खिलाफ हो जाएगा मेरे। और फिर तुम ये क्यों कह रही हो? किसने हक दिया है तुम्हें ये सब बोलने का? बीबी जान, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी ताकि हाशिर सर की जो बदगुमानी है वो आपसे दूर हो जाए। हाशिर की बदगुमानी की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुमसे जो कहा गया तुम बस वो करो। खुशी में कुछ खिलाएंगे नहीं, ड्राइव पर नहीं ले जाएंगे?
अपने हस्बैंड को क्या जवाब देंगे? जवाब दे दूंगी, ये वही है ना उस्मा, तुम्हारे मालिक मकान की बेटी। देखा, पकड़े गए ना। कहाँ थी तुम? ये बात करने का कैसा तरीका है? What's wrong with you? मुझे जवाब दो, कहाँ थी तुम? JK स्टूडियो क्या कर रही थी? I'm sorry. How do you know? तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस तरह बात क्यों कर रहे हो? पहले मुझे ये बताओ। I don't want you hanging out with that guy, okay? Fine. नहीं करूँगी। वैसे ही मेरा काम almost wrap up हो चुका है। Happy now? मैं ये भी नहीं चाहता कि वो late night parties तुम attend करो, समझी? क्यों, उसमें क्या मसला है? It's not like I go on my own. I have my friends with me. मैं क्या हो गया? I have a problem with all your friends. They're all empty idiots, okay? समझ आ रही है मुझे। I think I get what the problem is now. You're jealous of my popularity. What are you in your senses? Are you crazy? Yes. तुमसे मेरी fame handle नहीं हो रही है, इसलिए तुम मुझ पे ये सारे restrictions लगा रहे हो। But keep one thing in mind. मैं तुम्हारी इस फजूल बातों की वजह से अपना करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी, okay? आखिर क्या हो गया है हाशिर को? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्या मैंने उसे समझने में गलती की? अब वो बदल गया है। दम इस तरह कोई नहीं बदलता। शायद गलती मेरी ही थी। मैं भी तो बहुत ज्यादा रूड हो गई थी। नहीं, मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। हो सकता है वो मेरी वजह से गुस्से में आया हो। आई थिंक I made a mistake myself. खैर, अगर मैं उसे हाइपर कर सकती हूँ, so I can also chill him out. इतने सालों की मोहब्बत है, ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता उनसे। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। फिरोजा तो चली गई, अब इस हाशिर को किस बात की परेशानी है? क्यों मुंह बनाए फिरता है ये? पता नहीं। तुमने पूछा नहीं उससे? मैंने पूछा था, यही पूछा था कि कहीं आप इस वजह से तो नहीं अपसेट के नवीद सर ने रिजाइन कर दिया, मगर हाशिर सर ने मुझे भी डांट कर चुप करा दिया। अच्छा, तुम नवीद को दोबारा फोन करो, हो सकता है उससे मालूम हो सके कि क्यों छुट्टी कराई है इसने, जिसके बगैर सांस नहीं लेता था। उनका फोन ऑफ जा रहा है। तुम बार बार मिलाने की कोशिश करो, किसी वक्त तो फोन खोलेगा ना वो। पता तो चले नवीद इतना अच्छा बच्चा है, पता नहीं हाशिर क्यों लड़के बैठ गया उससे। मिला उसका नंबर। फोन ऑफ जा रहा है। पानी दूं आपको? नहीं। I know मैंने थोड़ा सा overreact कर लिया, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। But you must admit, गलती तुम्हारी भी थी।
अच्छा ना, I said I'm sorry. I really am. मुझे बताओ, what is it that I can do to make it up to you? तुम फौरन पाकिस्तान आ जाओ। इस मसले का यही हल है। हेलो, हेलो, क्या सोच रही हो? आशिर, पाकिस्तान आके क्या करूंगी? वहां ऐसा क्या रखा है? और आखिर तुम्हें भी तो वापस आना ही है ना इवेंचुअली। मेरा सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में है, मेरी जमीन, मेरी जॉब और सबसे बढ़कर मेरी बीबी जान। I'm not coming. And are you sure कि बीबी जान will accept me? Of course. मैंने बताया ना तुम्हें, तुम बस पहुंच जाओ, तुम्हें कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हें जरूर कबूल करेंगी, ट्रस्ट मी। बहुत थक गया हूँ मैं इस ड्रामे से, इसको बस खत्म करना चाहता हूँ। What drama? तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं सब बता दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मैं पाकिस्तान कैसे आ सकती हूँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका मतलब है तुम्हें अपना करियर मुझसे ज्यादा अजीज है। हाशिर, ये छोटी छोटी बातों में अपना ईगो क्यों बीच में ला रहे हो? और ऐसी कौन सी खुशी अचीव कर लोगे तो मेरे करियर को बर्बाद करके? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने खुद को कुछ समझना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से तुम अपनी मोहब्बत को फरामोश कर रही हो। याद रखना, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन मेरे जैसा लाइफ पार्टनर नहीं। भी तुम सोच सकती हो। यू हैव टाइम, आई कैन स्टिल फॉरगिव यू, क्योंकि मैंने नहीं तुमने भी मुझसे मोहब्बत की है और हर मोहब्बत अजमाइश से गुजर सकती है। अब इस अजमाइश से तुम्हें गुजरना है। मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं। जाए ये दिल आजमाइश है, यही दिल की बहकाए ये दिल। Someone looks happy. Yes. Have a look at these pictures. Oh, you got selected? Yes. Zabardast. Dikha. JK was more excited than I was. Itni tareef kar raha tha. Achha. Wo kaun hota hai meri biwi ki tareef karne wala? Huh? Someone's getting jealous, huh? To aur kya? Acha choro wo sab. Have a look at these pictures now. Ye wali dekho. Nahi, mujhe nahi dekhni tasveer. Main bas tumhe roobaroo dekhna chahta hu. Har waqt hamesha apne samne. तो देखो रोक कौन रहा है, लेकिन पिक्चर्स भी देखो। Look at that one. 8 out of 10. And that one? 7 out of 10. 8. These are really nice pictures. 9. 6. Now that's a good one. 9 out of 10. 100 out of 10. उलझने बढ़ती रहेगी, न था सोचा ऐसे। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने खुद को कुछ समझना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से तुम अपनी मोहब्बत को फरामोश कर रही है। जो कई रंगों में रंग बिखरेंगे तो तस्वीर बनेगी कैसे? अब तो हर एक ताल्लुक मेरी मजबूरी है, ये जो है
एहसास है गुरबत का यही दूरी है जो पहुंचने नहीं देती है इसी मंजिल पर कुछ है तन्हाई मेरी कुछ तेरी मगरूरी है रेजा रेजा कहीं कर देना बिखर दे लम्हे दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे आशर साहब आप नीचे खाने के लिए नहीं आएंगे बीबी जान आपका इंतजार कर रही हैं मुझे भूख नहीं है आपकी तबीयत तो ठीक है ना आशर साहब मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है जस्ट लीव मी अलोन I've decided. मुझे डिवोर्स चाहिए. You serious? इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कह दी? Divorce is not a big deal. और वैसे भी जिस तरह की तुम्हारी सोच हो चुकी है ना मेरा नहीं ख्याल था कि हम ज्यादा देर तक साथ रह सकेंगे बेहतर है कि अलग हो जाए तो पागल हो गई हो तुम्हें खुद अंदाजा है तुम क्या मांग रही हो मुझसे आजादी चाहती हो और वैसे भी you've turned into one of those जागीरदार्स जो बस एक औरत को चार दीवारी में कैद करना चाहते हैं मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ये सब कह रही हो मेरे लिए भी ये फैसला इतना आसान नहीं लेकिन साथ रह के भी हम अलग ही हैं बेहतर है कि वी पार्ट वेज आई स्पोकन टू द लॉयर्स तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स जल्द मिल जाएंगे रिजा तुम ये फैसला इस तरह नहीं कर सकती वेट सुन सुनो रिजा यू कैन नॉट डू दिस राइट जस्ट काम डाउन एंड टॉक टू मी ये मेरा फाइनल डिसीजन एंड दैट्स दैट जिंदगी और तरफ जाए ये दिल आजमाइश है यही दिल कि बहकाए ये दिल रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे Hey, I know I've called you a bunch of times, and you haven't answered. I just wanted to hear your voice. I was hoping we could just talk. Jawab is phone karna. See ya. उलझने बढ़ती रहेगी न था सोचा ऐसे किसी तूफान में तिनके की तरह हूँ जैसे जिंदगी बीत रही है जो कई रंगों में रंग
रंग बिखरेंगे तो तस्वीर बनेगी कैसे। सलीना प्लीज एक्सक्यूज मी, आप अपना फोन दें। रिलैक्स, वो माय वाइफ नॉट आंसरिंग द फोन, लेकिन आपके फोन नंबर से करूंगा मैं। एक्चुअली व्हेन कैन यू टॉक टू हर, शी इज नॉट आंसरिंग मी। अगर वो फोन उठाए प्लीज गिव इट टू मी। मैं बेल जा रही हूं। Hello, who's this? Jee. Rija, don't hang up. Dekho, I know you're not receiving my calls, but listen to me carefully, okay? तो उन सारी बातों के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, that's fine. लेकिन ऐसे फैसले सोच समझ के किए जाते हैं, okay? You're making a big mistake. Now, oh please, quit this emotional blackmailing, okay? हम दोनों के बीच में कोई मोहब्बत नहीं थी, it was just infatuation. Infatuation, हमारी शादी हुई भी तुम कह रही हो infatuation? Yes, we're humans. हो गई हमसे ये गलती, हमने एक दूसरे को बगैर समझे और जाने एक दूसरे से emotional होके शादी कर ली। But enough with this forcing now, okay? अपने divorce papers पे sign करो, get your lawyer to get in touch with mine. अब इस chapter को close करो हाशिर। मैं तुम्हारी जबरदस्ती की कोशिशों से बहुत irritate हो गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ court जाऊँ। As you already know, कि यहाँ के लॉस के अकॉर्डिंगली तुम मुझे इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जी सलाम अलैकुम असद साहब। जी जी मैंने फ़ोन किया था। ऐसा करें मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल करा दें। यस यस नहीं 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 वो नहीं जी नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लॉयर से फ़ौरन टाइम लेके मुझे फ़ौरन बताएं। यस ओके अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज़ मी, आप कुछ कह रही थी? जी सर वो आपसे कुछ बात करनी थी सर, अगर आप माइंड ना करे तो वो आपको मुसलसल परेशान देखकर मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। वो मैंने उस दिन फोन पे आपकी सारी बातें सुन ली थी। गुजरते